केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के कादीपुर में रोटरी चैरिटेबल पैथ लैब का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री की माने तो समाज के लिए रोटरी क्लब का कार्य सराहनीय है। रोटरी क्लब द्वारा ब्लड बैंक के माध्यम से जो किया जा रहा है सेवा कार्य निश्चित रूप से उत्कृष्ट सेवा का श्रेष्ठ उदाहरण है। गुरुग्राम भले ही एक हेल्थ हब बन चुका है जहां विभिन्न देशों से लोग अपना इलाज कराने के लिए गुरुग्राम का रुख कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को इन सुविधाओं का क्या लाभ मिला है ये सोच का विषय है। आज रोटरी ब्लड बैंक सेंटर ने रोटरी चैरिटेबल पैथ लैब गुड़गांव का शुभारंभ किया है, जिसमें माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने यहाँ पे उद्घाटन किया है। और रोटरी ब्लड बैंक सेंटर ने जो ये शुरुआत की है इसकी, एज ए प्रेजेंट मैं कह सकता हूँ कि ये एक गुड़गांव में बहुत ही सिद्ध कायम होगी, क्योंकि आज ब्लड टेस्ट कराने के लिए जो ना लोगों में खौफ है कि हमारे से इतना पैसा लिया जाएगा, इतना पैसा लिया जाएगा, लेकिन रोटरी चैरिटेबल पैथ लैब फ्री में जो ना सभी वीकर सेक्शंस के टेस्ट फ्री में जो ना करेगा। आम लोग कैसे फ़ायदा उठा पाएंगे इसका, जैसे इनको पता कैसे चलेगा? हमने इसलिए जो ना आपके माध्यम से भी हम प्रचार करना चाहते हैं कि मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि सभी जो ना गुड़गांव वासियों से अपील करेंगे। हमने पंपलेट्स का भी आयोजन किया है और हम जल्दी एक पैथ लैब के वैन भी हम चलाने वाले हैं, जो डोर टू डोर वीकर सेक्शंस के जो प्लॉटेड एरिया है, जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं उनके लिए टेस्ट फ्री में यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा, और पंपलेट के माध्यम से भी और लोगों पे अवेयरनेस की भी हम यहाँ कैंप्स जो ना वीकर सेक्शंस में लगाएंगे। मंत्री जी से डिमांड भी की गई है, क्या कुछ डिमांड थी और क्या कुछ आश्वासन मिला है? मंत्री जी से हमारी डिमांड से कोई बारे में नहीं थे सर, लेबर पैथ में कोई लेब नहीं थी। हमने सोलर को लेके हमने बात की है कि भाई कोई इस तरह की कोई एमपी लेवल में कोई ग्रांट सोलर, क्योंकि हमारा यहाँ बिजली का जो खर्चा है, हमारा जो ब्लड सेंटर है ये चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से चलता है, तो हम यहाँ जो बिजली का बिल भरते हैं वो ज़्यादा आता है, इसलिए हमने सोलर पैनल की हमने उनसे मांग करी थी और उन्होंने हमारी बात को मान लिया है कि हम वो अपने एमपी लेवल से जो ना वो देंगे उसमें जो ना। और एक हमने एक गुड़गांव में ज़मीन का भी जो ना हमने उनसे मांग करी है कि भाई इस तरह की एक ज़मीन दी जाए जिसपे हम पुअर सेक्शंस के बच्चों को लोगों को उनकी हम फ्री जो ना इलाज रोटी करना चाहते हैं। आज एक पैथोलॉजिकल लैब अपनी संस्था के अंदर और जोड़ा है। ब्लड बैंक तो था ही, मशहूर ब्लड बैंक है, प्लाज्मा बैंक है, थैलेसीमिया का एक यूनिट है, इस सब के अंदर चार चांद लगाने के लिए आज के दिन उन्होंने एक पैथोलॉजिकल लैब और जोड़ा है। उसके लिए मुझे बुलाया गया कि उद्घाटन कराएं, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा रोटरी बैंक साउथ, और जो मुझे बुलाया है उम्मीद से कि भाई कुछ मेरी तरफ से भी योगदान हो, तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास करने हैं एक सोलर पैनल यहाँ पर लग जाए, और अगर कोई संस्था के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से कोई ज़मीन मुकर्रर करी जा सके तो मैं उसके लिए भी इनके लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू।